Hello, this is Aman. Welcome to the V School for English Studies. Here I would like to talk about the uses of have in different sentences. जैसे कि आप सभी को पता है कि स्टूडेंट्स को ग्रामेटिकल इश्यूज होते हैं कि उन्हें नहीं पता चलता कि हैव का यूज कैसे करते हैं. सो हियर मैंने सम सेंटेंसेस बनाए हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हम हैव को किस तरह यूज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई टॉक अबाउट द हैज और हैव है क्या, इसका मतलब है हमारे पास कोई चीज है. जब हम ये चीज बताने के लिए बोलते हैं तब हम यूज करते हैं हैज और हैव. जैसे कि मैंने यहाँ सेंटेंस बनाया है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है. मतलब अगर आपको कुछ बोलना है कि मेरे पास ये चीज है तो आप क्या बोल सकते हो, आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार, आई हैव अ बुक, मेरे पास बुक है, मेरे पास कार है. सो हम यूज करते हैं हैज और हैव. हैव किसके साथ लगता है, आई और यू के साथ, और हैज किसके साथ लगता है, ही और शी के साथ. ओके, उसके बाद अगर हमें फ्यूचर में बोलना हो कि मेरे पास ये चीज होगी तब हम यूज करते हैं विल हैव, आई विल हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन होगा फ्यूचर के लिए. अगर हमें ये बोलना कि मेरे पास ये चीज हो सकती है, जैसे कि हम पॉसिबिलिटीज यूज करते हैं कि हमारे पास ये चीज हो सकती है या होनी चाहिए, तो उसके लिए हम बोलते हैं आई कैन हैव अ पेन. कैन और हैव दोनों साथ में लगेंगे, मेरे पास एक पेन हो सकता है. देन उसके बाद शुड हैव, मेरे पास होना चाहिए. अगर हम मतलब रखते हैं कि हाँ ये पॉसिबिलिटी हो कि हमारे पास ये होना ही चाहिए तब हम शुड के साथ हैव यूज करते हैं, आई शुड हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन होना चाहिए. कुड हैव किसके साथ लगता है, जो पास्ट के लिए पॉसिबिलिटीज होती है, मेरे पास ये चीज हो सकती थी तब हम यूज करते हैं कुड और हैव, आई कुड हैव अ पेन, मेरे पास पेन हो सकता था. जैसे कि मैंने यहाँ सेंटेंस बनाया है. देन लास्ट इज वुड हैव, पास होता. मतलब जैसे कि हम विश करते हैं कि काश मेरे पास ये चीज होती तब हम यूज करते हैं वुड और हैव. इट्स यूज फॉर द फ्यूचर बट फ्यूचर के लिए पॉसिबिलिटीज. इफ आई वुड हैव अ पेन, अगर मेरे पास एक पेन होता. सो होपफुल दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर लाइफ. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.